क्यों भाई कैसे बढ़िया? कहते भवतर बिन ही प्रयास। कलयुग ऐसा है कि इसमें अगर तुम संसार से पार होना चाहो, इसमें कोई परिश्रम आपको नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बस जरा सा। तो मैंने कहा कि व्यास जी नहा रहे थे नदी में, उन्होंने सोचा करे मेरे घर में महात्मा लोग आए, मेरी कुटिया महाराज जी बोले बाबा अब नहा लो। अब उनको तो बेचारों को चिंता हो गई कि मैं नहा रहा हूँ, ये मेरे पास आए। अब महात्मा कहते जल्दी से, फिर बोले ये क्यों आए? तो स्नान ध्यान, नहाते नहाते ध्यान करने लगे। देखो कितनी बढ़िया बात। हमारे गुरु जी मेरे संत बोले तुम ऐसा करो, कोई क्या पता तुमको बिजी लाइफ होता है, समय ना मिले, तो जब नहाते हो ना तो नहाते नहाते गीता का 15वां अध्याय कर लिया करो। कितनी बढ़िया बात है। तो हम पुरुषोत्तम बोले इससे क्या होगा कि तुम पुरुषोत्तम के तुम्हारे भीतर समाज में तुम कुछ विशेष था तुम्हारे भीतर आ जाए। तो कितनी बढ़िया बात है। नहाने का समय हमको लगता ही है, अगर उसी समय हम लोगों को आदत पड़ गई गुरुदमूर मदस्यात्म प्रावर, हम लोग जब नहाते तो वही गीता के 15वें अध्याय कितने श्लोक है, 20 19 है, एक और उसमें हम ऐड कर देते हैं, तो 20 श्लोक, 20 में कोई ज्यादा बहुत कठिन भी नहीं है। तो और फिर 15वां अध्याय है और इतना बढ़िया पुरुषोत्तम योग। तो वो पुरुष ध्यान भी कर रहे थे, नहाते नहाते ध्यान, स्नान ध्यान दोनों। हम लोगों को और समय ना मिले, एक महात्मा मिले थे हमको वृंदावन के संत, मैं वहां मध्य प्रदेश में गया था, टीकमगढ़ एक जगह है, तो वहां हमारी भेंट हो गई। अब उनका शरीर तो नहीं है, तो हम लोग कभी 4 दिन एक साथ रहे, एक ही घर में हम लोग टिके थे। उनसे बड़ा विचार हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि देखो अगर आपको भजन का समय नहीं मिलता, तो उन्होंने टाइम बताया कि आपको भजन का समय नहीं मिलता हो, आप एक मेडिटेशन की प्रक्रिया सीख लो, भजन सीख लो, और सीखने के बाद आपको समय नहीं मिलता तो एक समय हम आपको बताते हैं। बोले कौन सा समय? कि आपने क्या किया, आपने तैयारी कर ली, आपने खाना खा लिया, ऑफिस से आ गए, खाना खा लिया, जो कुछ करना था कर लिया, अब आपने क्या किया, अब आप बेडरूम में चले गए, अब तो आपको कुछ नहीं करना, बेडरूम की ड्रेस पहन ली, मतलब बेड बिल्कुल सोने की तैयारी में आ गए, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना, अब तो कोई काम नहीं, आपने बत्ती भी बंद कर दी, सोने के मूड में आए, लेकिन आप मूड में आ गए तो क्या हुआ, निद्रा देवी आवे तब तो उनका मूड नहीं है अभी आपको सुलाने का। थोड़ा हम लोग हंस रहे थे उस दिन, एक डॉक्टर बड़े साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते थे, एक डॉक्टर थोड़ा सा पढ़े लिखे थे, साहित्य पढ़े, तो पेशेंट के साथ भी कभी कभी ऐसे जटिल शब्दों को बोल दिया करें, तो उसे एक जो रोगी से बोलते हैं कहिए कैसे हो, ठीक हो, कहिए रोगी महोदय आप स्वस्थ हैं, ऐसे बड़ी साहित्यिक भाषा होती है, और अब ज्यादा समझे नहीं, स्वस्थ स्वस्थ माने आप हेल्दी हो, आप ठीक हो, आपकी तबीयत कैसी है, दूसरे ने समझा, बोले हाँ हाँ महाराज ठीक है, दवाई ने बड़ा अच्छा काम किया। तो रात्रि में निद्रा देवी आई, अब हम निद्रा देवी, अब बेचारा अब निद्रा देवी, अब उसे क्या पता, अब उसे पूछो रात को सोए थे ये तो थी उसको समझ में आता निद्रा देवी, तो कहता है डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं आई होंगी पर मैं तो सो गया था बाद में आई मैं तो सो गया था बाद में आई होंगी पता नहीं, उसने सोचा कि कोई निद्रा देवी कोई पता नहीं कोई डॉक्टर नहीं का नाम होगा या कोई हो तो क्या जाने, उसने कहा वो बहुत बढ़िया आप सो, यही मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सो गए थे तो चलो अच्छा हुआ। तो बड़ा व्यास जी महाराज नहा रहे थे, नहाते नहाते व्यास जी ने सोचा कि ओहो ये महात्मा लोग आए मेरे पास, मैं क्या करूं। तो व्यास जी ने नहाते नहाते डुबकी लगाई, तो महात्मा ने कहा वृंदावन के जो संत थे उन्होंने बताया कि आपको अगर कोई समय नहीं है तो आपको मेडिटेशन की प्रोसेस आती है, और आप अगर, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यद्यपि आसन जो हम लोग करते हैं मेडिटेटिव पोस्चर, जैसे आप बैठे हैं ये भी एक मेडिटेटिव पोस्चर है,
और आपका क्या नाम है? प्रकाश। हैं? प्रकाश। प्रकाश। तो प्रकाश बहन जी बैठे थे, बड़ा अच्छा आसन था, कैसे जरा से एक बार दिखाओ। देखो भाई आप बैठिए, सब लोग ऐसे बैठो बैठो। कैसा लगता है? सुखद है। सुख अच्छा लग रहा। आपने एक नया आसन हम लोगों को दिया। नहीं नहीं ये आप कभी ध्यान दो, कई बार हम लोग नहीं, हम लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि ये मैं यही चाहता हूँ, ये हमारी जो कक्षा है योग की, ये बिल्कुल नेचुरल है। हम इसको एक बनावट जो दे देते हैं सब, क्योंकि हमें कहीं जाना पड़ता है, हम मंदिर में प्रवचन करते हैं, मंदिर में क्यों नहीं योगाभ्यास कर, मंदिर में भी, मंदिर में हम लोग ऐसे देखो नहीं, इसको आप इसमें बैठे हैं तो इसमें हमारे इसमें आप कहोगे कि महाराज नहीं ये तो योगा था, आपको योग, अब योग में अगर कहना चाहे तो हम लोग काशी में पढ़ के आए तो हमारे पास उसका उत्तर है, और ऐसे उत्तर नहीं, शास्त्र के साथ शंकराचार्य जी कहते हैं तुम योगाभ्यास करना चाहते हो तो कहते हैं तुमको परमात्मा की प्राप्त ब्रह्मचिंतन करना है। उन्होंने जैसे जैसे पतंजलि ने स्थिर सुखम आसनम, आसन किसको कहते हैं तो सुख पूर्वक स्थिर रहना, ये आसन आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो क्या जरूरत है, आप इसी में करो बहुत, आपको अगर ऐसे आपको ऐसे अच्छा लग रहा है ऐसे ही करो, आपको कुर्सी में, और आपको ये जरूरी नहीं है बहन जी को ऐसे अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? लीला। हाँ जी लीला। लीला जी हम देखो लीला जी और प्रकाश को ही हम लोगों को देखो, इन्होंने दो हम लोगों के चीज दी है, प्रकाश प्रकाश हो गए नहीं तो अब देखो ये है, ये भी एक बहुत ये स्वाभाविक है ना। अब हम कहें कि नहीं नहीं आप ऐसे ही करो, बात तो ठीक है वैसे भी करो, लेकिन आप ऐसे बैठे हैं, अगर ऐसे बैठ करके आपको अच्छा लग रहा है, इसमें भी आप ऐसे अगर ठंडी है हाथों को लग रही तो आप ये गर्म एक जो स्थान है आपके लिए गर्मी के लिए, अब दोनों हाथों को अगर यहाँ लगा लें कई बार अब हम लोग एक महात्मा मिले बोले क्या करें मेरे पास हाथ के दस्ताने नहीं है, बोले नहीं है तो क्या हो हम बताते, बोले क्या ऐसे हाथ करो बोले सब लोग बैठे ये मुझे ये हो रहा है, बोले अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, बोले मुझे ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है ऐसे करो ना। अब उन्होंने जब ऐसे बोले दोनों हाथों को छिपा रहा अंदर जोर से दबाओ, अब देखो कितना बढ़िया उनको, उन्होंने कही तो बहुत बढ़िया हो गया, हमारे पास जो हम जो दस्ताने पहनने वाले थे तो वो उसके बिना भी काम चल गया। तो महात्मा लोग आपको बताया कि महात्माओं से हमने ऐसा सीखा कि मेरे पास एक चादर थी हल्की सी चादर, महात्मा जी बोले कहो रात को कैसे रहे, मैं ठीक रहा, बोले ठीक, मैंने देखा आप बैठे रहे आप लेटे क्यों नहीं, मैंने कहा महाराज वो, बोले मैं समझ गया आपके पास चादर हल्की थी तो बोले मैं आपको बताता हूँ, आप महात्मा हो कम सामान लेके जाते हो, दूसरी जगह कहीं जाओगे वहां कंबल मिलता नहीं है, कई बार निंदिया कंबल जिसके घर में गए बोले परवाह ना किया करो, आप एक पश्मीना रख लो हल्का सा गरम शॉल रख लो, और ये जो चादर है आपकी बोले इस चादर को पश्मीना के ऊपर डाल लिया करो, शॉल आप जो शॉल जो लेके जाते हो ओढ़ के जाते हो ठंड कहीं भी, शॉल के ऊपर इसको डाल लिया करो, बोले फिर बोले ये तो रजाई से ज्यादा काम करेगी आप, उन्होंने बताया उन्होंने कहावत बताई जो रोके कंबल के छेद सो जाने कंबल का भेद कितनी बढ़िया बात है, एक हमारे हमको तो चार कंबल चाहिए, चार कंबल की जरूरत नहीं, एक ही कंबल हो, कंबल नीचे की ओर आपके शरीर, क्योंकि आपकी शरीर में इतनी गर्मी है लेकिन वो गर्मी बाहर निकल जाती है, कंबल आप ओढ़ते हो छेदों से बाहर निकल जाती है, आप इस कॉटन की या कोई और जो भी आपके पास जो चादर हो कोई दूसरी, बोले आपकी तो बहुत बढ़िया है, बोले ये चादर को ओढ़ने वाली जो चादर है या पहनने वाली जो चादर है उसको उसके ऊपर से डाल दिया करो, मुझे तो बहुत बढ़िया काम हो गया, अब मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे चिंता ही नहीं होती कि रजाई मिले ना मिले या कंबल मिले ना मिले, वो एक अपने पास छोटा सा शॉल हो